मोदी को सांप्रदायिक नेता बताती है, तो आप क्या सोचते हैं? नहीं, अभी सांप्रदायिक है मेरे सामने तो कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, नरेंद्र मोदी क्या और राहुल गांधी क्या, संविधान के मुताबिक पक्ष और पार्टी का पंतप्रधान जब तक देश में रहेगा तब तक समाज को देश को सही पंतप्रधान नहीं मिलेगा। सही पंतप्रधान मिलना है तो पूरे देश में पंतप्रधान और राष्ट्रपति दोनों को चुनाव जनता ने चुनकर देना, तब सही पंतप्रधान मिलेगा, पक्ष और पार्टी का नहीं। परसों इंदौर में हमारी एक प्रेस हुई थी और उसमें ये कहा गया कि अन्ना ने ये कहा नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक नहीं है, तो ये बात जो गलत बात कही गई उसका खुलासा करने के लिए, स्पष्टीकरण करने के लिए आज प्रेस बुलाई है। वास्तव में वहाँ पत्रकारों ने मुझे इस बात को पूछा था, क्या नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक है, तो मैं तुरंत उसका जवाब ये दिया कि मोदी सांप्रदायिक है इसका मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सांप्रदायिक नहीं है, है। मेरा जवाब ये था। और कल मैं पढ़ा अखबार में कि अन्ना ने कहा कि मोदी सांप्रदायिक नहीं है, ये गलत है। ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि मोदी सांप्रदायिक नहीं है या है? जैसे गोधरा कांड हुआ, गोधरा कांड में तो अभी तक नरेंद्र मोदी ने तीव्र शब्दों में कभी निषेध नहीं किया, एक बात ये। दूसरी बात ये है कि असाम्प्रदायिक तो मानने वाले जो एक दल है उस दल का चुनाव प्रमुख नरेंद्र मोदी को बनाया गया है, और वो दल सांप्रदायिकता से जुड़ा हुआ है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक नहीं है?